आज हमारे भैया भाभी बाहर गए थे, हम अकेले थे तो आ गए, पर हाँ आते जाते रहेंगे, अब चलते हैं। सॉरी। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। अब बता दीजिए। दीपक। आपके माँ बाप ने भी क्या चुनकर नाम रखा है, दीपक, जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों को रोशनी देता है। अब आप फिलोसफरों वाली बातें करने लगी। अरे नहीं, बस ऐसे ही। अब अपना भी तो नाम बता दीजिए। शालू। शालू, नाइस नेम। अब आप भी मेरी तरह कोई डेफिनेशन मत दीजिएगा। अरे बाबा, नहीं दूंगा। वैसे आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम अपने भैया से कहकर मंगवा लेंगे। जरूर, थैंक्स। आइए। पूजा, कैसन बाड़ू पूजा? आप यहाँ? हाँ, तू का समझ ले कि हम तोहरा के खोज नहीं पाए। पूजा, तोहरा के हमार प्यार के अंदाजा नहीं बा। तोहरा के खोजे खातिर अगर पूरा दुनिया के भी चक्कर लगावे के पड़ित ना तो हम लगाती, पर तोहरा के खोज के रहती। तू हमारे एक भूल के इतना बड़ा सजा दे लू, इहो नहीं सोच लू कि तुहरे पीछे से हमार का होगी, कैसे जियब हम तुहरे बिना। तो का करती हम, कैसे रहती हो घर में, जहां हमरा के हमरा ही नजर से गिरा देवल गल रहा, जहां हमरा पे चोरी जैसा गंदा इल्जाम। जब एगो पति के अपन पति पर भरोसा ही ना रहल, विश्वास ही ना रहल, तो का करते हम। लेकिन पूजा, जौन कुछ भी भइल शालू की वजह से भइल, हमने सब उकर छलावा में आके गलती कर दे ली, परिस्थिति ही ऐसन बन गई रहे। कुछ भी हो के, लेकिन आपके तो अपन पति के साथ देवे के चाहत रहल, केहू के द्वारा अपन अपमान नफरत हम सह लेती, लेकिन आपके आंख में भी अपन प्रति नफरत देख ली, वो कैसे सहती हम। जब आप दुनिया से, समाज से हमार रक्षा ही ना कर सकेली, हमरा के बचा ही ना सकेली, रिश्ता के कौन मायने। हम जौन कुछ भी कहले हैं बहुत सोच विचार के कहले हैं। नहीं, ये कदम तू सोच विचार के नहीं,
भावेश में उठेलू, जल्दबाजी में उठेलू। पूजा, तोरा के अपन पति के एक मौका और देवे के चाहत। ये तेरे छोट छोट गलतफहमी से घर गृहस्थी नहीं उजाड़े के चाहे। पूजा चला चला अपना घर, केहू की जरूरत होखे ना होखे, तोरा के भी होखे ना होखे, पर हमरा के बाप हम तोरा से माफी मांगता नहीं। जीत छोड़ दो और चला। नहीं, हम घर वापस नहीं जाए, नहीं जाए हम वापस। हम यही जा रहा, छोट छोट अनाथ बच्चन की सेवा करो। पूजा, तू माई बने वाला बाड़ू, तोरा के देखभाल की जरूरत पड़ी, इज्जत तोहर ख्याल के रखी। हम अपन ख्याल खुद रख ले, केहू के भी हमार चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं के। ठीक बा, मत माना हमार बात, लेकिन हम अपन बच्चा के ऐसे नहीं छोड़ सकेंगे। आपके बच्चा? हाँ, हमार बच्चा, जौन तहरे कोख में पलट पा। जब बच्चा हो जाए तो हम उकरा के ले जाए। हमार बच्चा एजा अनाथ आश्रम में ना रहे। हम अपन बच्चा हरगिज नहीं दे, नहीं दे, नहीं दे, नहीं दे, नहीं दे, नहीं दे, अपन बच्चा। अरे क्या भइला? कोनो कोनो खराब सपना देख लुआ का? कोनो खराब सपना देख लुआ का? देखा सूझ जा, ऐसा समय में अच्छा सपना देखे के चाहे, खराब नहीं, ना तो बच्चा पे असर पड़े। चला चला जल्दी से सूझ जा, चला सूझ जा। होना था वो तो हो गया, खुद को तो संभालना ही पड़ेगा ना। विश्वंबर बाबू, अब जब आप लोगों ने मृत महिला का पहचान पूजा के रूप में कर ही दिया है तो बाकी का फॉर्मेलिटी तो पूरा करना पड़ेगा ही ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या करना होगा। आप कल हमारे पास थाना आ जाइएगा, हो सकता है मकौना गांव जाना पड़े जहां एक्सीडेंट हुआ था। बॉडी का संस्कार तो वहां का पुलिस ने कर दिया है, लेकिन उसका जो एक दो सामान है वो आप लेते आइएगा। जी हाँ, हम कल आ जाएंगे।
क्या संजोग भिड़ाया है उसने, एक बिना आंख वाला दूसरे बिना आंख वाले के पास पता पूछने पहुंच गया। भगवान जब हमसे कुछ छीनता है ना, तो और भी दूसरी बहुत सी अच्छी चीजें हमें दे देता है। हम अंधों में एहसास करने की शक्ति सामान्य से ज्यादा होती है। छूकर अंदाजा लगाने में हम माहिर हो जाते हैं। सूंघ कर महसूस करने की शक्ति बढ़ जाती है हमें। गम को नहीं खुशियों को गले लगाना चाहिए, जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। अजी सुनते हैं, आज शालू के चेहरे पे हमने कितना दिन के बाद मुस्कुराहट देखा। वो लेटे लेटे मुस्कुरा रही थी। सच? हाँ। अब जागी थी कि सोई थी? वही तो पता नहीं है, अब उसको देखने से कहाँ पता चलता है। आशु, हमरा बहन के चेहरा पर जो नी मुस्कुराहट आया है ना, हम उसको कब्बू खत्म नहीं होने देंगे। अब तो डॉक्टर ने भी उम्मीद का एक नया किरण दिखाया है। हाँ, कहाँ बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चेन्नई में ना एक वो नेत्र चिकित्सालय है, शंकर नेत्र चिकित्सालय, वहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन्ना आते हैं। उन्होंने ऐसा ही केस एकदम सफलतापूर्वक हैंडल किया है। सच? हाँ, अब देखना आशु, हमारा बहन फिर से ठीक हो जाएगी, हम उसको चेन्नई ले जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा खबर है, बहुत अच्छा खबर है। आशु, हमारा बहन ठीक हो जाएगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी। सुनी जी, अब फोन करके पूजा के मायके में खबर कर दी, वो लोग के बतावल पे जरूरी बा। बेचारा सुधाकर तो पागल हो जाए ये सुनकर कि ओकर बहन ना ही रहल। कैसन दिन दिखला भगवान हमने के, हमार बहू पूजा हम अपना आपके कब्बो कब्बो माफ नहीं कर पाए। जिंदगी भर हमरा के ये बात कचोटत रही कि हमरा वजह से पूजा घर छोड़ के गई बा। आज पूजा दुनिया में नहीं भी तो ओकर जिम्मेदार हम हो बानी।